इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 13 वचन 5 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। वचन का ये पहला भाग हम देखेंगे, क्योंकि आज इस संसार में कितने लोगों का स्वभाव लोभ से भरा हुआ है, अर्थात लालच से भरा हुआ है। किस प्रकार का लालच? इस प्रकार से कि जब वे दूसरों की ओर देखते हैं तब उनके मन में इस प्रकार की भावना निर्माण होती है कि यदि इसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास इससे बढ़कर होना चाहिए। ये बहन इतने अच्छे कपड़े पहनती है, इतनी महंगी साड़ियाँ पहनती है, तो मेरे पास उससे बढ़कर होना चाहिए, उससे महंगा होना चाहिए। सामने वाले पड़ोस के घर में बहुत बड़ा टीवी है तो मेरे घर में उससे बड़ा होना चाहिए। इस फलाना भाई के पास इतना बड़ा मोबाइल है तो मेरे पास उससे महंगा, उससे कीमती मोबाइल होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इस धुनकी में आज हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान ये भूल बैठा है कि इन बातों में लगे होने के वजह से वो अपनी शांति खो बैठा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस लोभ में फंसे होने की वजह से आज हर एक व्यक्ति ये भूल चुका है कि सच्चा जीवन किसमें है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस लालच में है कि इसके पास ये चीज़ है, उसके पास वो चीज़ें हैं, ये भाई इतना अच्छी तरह से रहता है, इसके घर में आज ये खाना बना हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार सोचते होंगे ना कि इनके घर में तो रोज़ चिकन मछली अंडा बनता है और हम दाल ही भात खाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है कि आपके पास जो है उसी पर संतोष कीजिए। जो चीज़ें आपके पास हैं उन बातों के ऊपर देख करके आप दूसरों के विषय में ये कुड़कुड़ मत कीजिए कि इसके पास ये चीज़ें हैं, इसके घर में तो इतने महंगे टाइल्स लगे हुए हैं, उनके पास वो चीज़ें हैं, हमारे पास नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हीं बातों के ऊपर आप संतोष कीजिए, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके विपरीत आज इस संसार में का हर एक व्यक्ति इस धुन में लगा हुआ है, इस दौड़ में जुटा हुआ है। हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि और कितनी ज़्यादा मेहनत करूँ, और कितना क्या पसीना बहाऊँ, और कितने घंटे में काम करूँ ताकि इस भाई से दुगना में कमाऊँ, इससे ज़्यादा मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, इससे बड़ा मेरा घर होना चाहिए, इससे बड़ा, इससे ज़्यादा सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए वे रात दिन परिश्रम करते हैं, रात दिन इन बातों में उनका समय लगा हुआ होता है कि और कितना मैं कमाऊँ, कितना इकट्ठा करूँ कि मैं सबसे बड़ा इंसान बन जाऊँ, सबसे बड़ा नाम कमाऊँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारी बातें व्यर्थ है, क्योंकि वचन कहता है कि ना हम इस संसार में कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। इसीलिए जितना आपके पास है उन्हीं बातों के ऊपर आप संतोष कीजिए। प्रभु ने आपको यदि एक छोटा सा घर दिया हुआ है और एक अच्छा परिवार आपके घर में है, आपके घर में हो सकता है महंगा टीवी नहीं होगा, बड़ा मोबाइल नहीं होगा, परंतु यदि आपके पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है और उसके नाम के द्वारा यदि आपके दिल में परमेश्वर की शांति है तो आप इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
सबसे बड़े व्यक्ति है। और यदि आप ऐसा सोचते होंगे कि क्या फायदा है प्रभु के ऊपर विश्वास करके, क्या फायदा है प्रार्थना करके, क्या फायदा है इतना प्रार्थना करके बाइबल पढ़ के यदि मैं दूसरों के से ज़्यादा न कमा सकता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप दिन में 200 से 300 ही कमाते होंगे, परंतु उतने में ही परमेश्वर आपके संसार को, आपके घर परिवार को चला रहा है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात के ऊपर संतोष कीजिए कि यदि फलाना व्यक्ति हजारों रुपये भी कमा करके उसके दिल में शांति नहीं है, उसके जीवन के ऊपर आशीष नहीं है, परंतु आप जो 100-200 ही कमा रहे हैं, यदि इतने में ही परमेश्वर ने आपके जीवन को आशीषित किया है, तो इस बात के ऊपर संतोष कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या फ़ायदा है उन रुपयों का जिन रुपयों को आप कमा करके आपके जीवन में श्राप बटोरेंगे? क्या फ़ायदा है उन सोना और चांदी का जिनके पीछे आप दौड़ करके आपकी शांति खो बैठेंगे? क्या फ़ायदा है ऐसे परिश्रम का यदि इतना आप दौड़ भाग करेंगे, इतना धूप में परिश्रम करके यदि आपको घर में आधा घंटा भी प्रार्थना करने का समय नहीं मिलेगा? कई लोग बताते हैं ना कि काम पर जाता हो इसीलिए समय नहीं मिलता है प्रार्थना करने के लिए, काम पर जाती हो इसीलिए समय नहीं मिलता है आधा घंटा भी परिवार के संग समय बिताने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपका समय आप इन व्यर्थ बातों में गंवा रहे हैं जिनसे कोई लाभ नहीं है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका जीवन व्यर्थ में जा रहा है। यदि आप दिन के 4 घंटा ही मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और उतने ही पैसे में प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, आपका दिन अच्छे से बिता रहा है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस संसार के सबसे खुशनसीब व्यक्ति हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए ज़्यादा कमा करके आपको ज़्यादा कुछ हासिल हो जाएगा, इसके पीछे आप मत दौड़िए, इसके पीछे आप भाग दौड़ मत कीजिए, क्योंकि रुपयों की जड़ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। वचन क्यों कहता है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है? ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रुपया सब प्रकार की बुराई का जड़ है, पैसा, रुपया ये बुराई का जड़ है, ऐसा नहीं है, बल्कि रुपयों का लोभ बुराई का जड़ है। इसलिए आप आपके पॉकेट में पैसे रखे, ये बुरा नहीं है, ये पाप नहीं है, बल्कि उन रुपयों का आप लोभ न करें, लालच न करें, ये पाप है, ये बुराई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि परमेश्वर ने आपको एक सादा सा घर दिया हुआ है, उस सादे से मकान में आप आपका परिवार जीवन बिता रहे हैं, आपके पास भले ही कीमती महंगे कपड़े न हो, ज्वेलरी न हो, सोने चांदी के दागिने न हो, परंतु आपका घर परिवार परमेश्वर के आशीषों से भरा हुआ है। आपको परमेश्वर ने चंगाई दी हुई है, आपको परमेश्वर ने शांति दी हुई है, तो इन बातों के ऊपर संतोष कीजिए। आप हर दिन आपके पति के साथ में इस बात के ऊपर झगड़िए मत कि इस बाजू वाली बहन जो है, पड़ोस की जो बहन है, उसके पास इतने महंगे महंगे दागिने हैं, जेवरात हैं, तुम मुझे कुछ कमा कर देते नहीं हो, तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके पास सोने चांदी के दागिने नहीं हैं, यदि आपके गले में सोने के चैन नहीं हैं, महंगा मोबाइल नहीं है, परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको जो शांति दी हुई है, जो आनंद दिया हुआ है, वो आनंद, वो शांति आप किसी भी बाजार से खरीद कर नहीं ला सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए एक भाई ने ऐसी गवाही दी थी कि वो भाई, उनका खुद का बिजनेस है, वो भाई उनके व्यापार में बहुत कुछ कमाते थे, इतना तक कि एक दिन में कभी कभी वो 10,000 भी कमा लेते थे, और इतना कमाने के बावजूद भी उनके दिल में संतोष नहीं रहता था, दिल में शांति नहीं रहती थी, हर घड़ी हर वक्त
उन्हें ऐसा लगता था कि और कितना कमाऊँ, और कितनी मेहनत करूँ, या और कितना टेढ़े मार्ग से जाऊँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये भाई प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं। प्रभु में आने के बावजूद भी उनको शांति नहीं महसूस हो रही थी। वे सोचते थे इतना तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ वाला जो भाई है या जो पहचान का भाई है, ये मुझसे ज़्यादा कमाता है। और उसकी कमाई को देख करके इसके दिल में उथल पुथल होती थी। वो सोचता था कि ये इतना कमाता है लेकिन मेरी कमाई उससे कम है। वो भाई कहता है जिन्होंने गवाही दी, वो कहते हैं कि इन सब बातों से मेरे दिल की शांति किसी ने छीन ली है, ऐसा मुझे महसूस होता था। मुझे बिल्कुल भी शांति का अनुभव नहीं आता था। मैं हमेशा प्रभु के पास प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मैं जो इतना कमाता हूँ, इतना कमाने के बावजूद भी मेरे घर परिवार में ये पैसे टिकते नहीं हैं। इन रुपयों के ऊपर प्रभु तेरे आशीष नहीं आ रहे हैं। हर दिन मैं हजारों रुपये कमाता हूँ और हजारों रुपये कमाने के बावजूद भी दूसरे दिन उसमें से एक रुपया भी नहीं बचता है। प्रभु, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरी जितनी ज़रूरत है उतनी तू जानता है। तू मुझे इतना ही दे जितने से मेरा घर परिवार चले और मेरे दिल में शांति रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना करने की शुरुआत की कि हर दिन मैं केवल 200 से 300 रुपए कमाऊँ, हजारों रुपए तू मुझे मत दे और इन रुपयों का लोभ, इनका लालच भी तू मुझे मत दे। मैं इतना ही कमाऊँ जितने में मेरे घर परिवार चले और मेरे दिल में शांति रहे। इस प्रकार से वो भाई 2 साल 3 साल बीतते जा रहे थे, वो प्रार्थना करते रहे। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और अब वे बताते हैं कि पहले जैसे उनकी कमाई होती थी, दिन में हजारों रुपए वो कमाते थे, 4,000 5,000, कभी दिन में 10,000, इतने रुपए अब वे नहीं कमाते हैं। अब केवल दिन में वो 200 से 300 रुपए ही कमाते हैं, लेकिन प्रभु के आशीष उन पैसों के ऊपर आ गए हैं। अब वे पैसे घर में टिकते हैं, यहाँ तक कि दिन ब दिन निकल जाता है, लेकिन वो पैसे कम नहीं होते, घटते नहीं हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरे को देख करके जो उनके मन में लालच भावना निर्माण होती थी, इस प्रकार की बुराई रहती थी कि ये इतना कमाता है लेकिन मैं इतना नहीं कमा पाता, ये बुरी भावना भी उनके दिल में से निकल गई। अब उनके दिल में प्रभु की शांति आ गई है, प्रभु के आशीष उनके घर परिवार के ऊपर आ गए हैं और वे उतने ही कमाई में संतुष्ट हैं। और प्रभु ने उनको इतना आशीषित किया है कि कई सालों से जो उनके पास खुद का घर नहीं था, उन्होंने खुद का घर भी बना लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए वचन जो कहता है कि तुम न तो रुपयों का लोभ करो, किसी की बात को देख करके, किसी के चीज़ों को देख करके अपने मन में लालच मत रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन कहता है कि क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, ये किसी भी इंसान ने नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मनुष्य बदल जाता है परंतु परमेश्वर कभी बदलता नहीं। उसका वचन हमेशा कायम रहता है और वो उसके वचन के मुताबिक हमेशा करता है। उस परमेश्वर ने आप ही कहा है, वचन कहता है क्योंकि उसने, यानी कि प्रभु ने आप ही कहा है कि न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यानी कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, आपका निर्माण करता, आपका स्वर्गीय पिता आपसे ये वादा करता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, यानी कि कितने भी मुसीबत की घड़ी आपके जीवन में आ जाए, कितने भी संकट के दिन आपके जीवन में आ जाए, परंतु वो परमेश्वर जिस परमेश्वर का आपने हाथ पकड़ा हुआ है, वो परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। इसलिए यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि क्या ये हो सकता है कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, अपने दूध पीते हुए बच्चे को त्याग सकती है? हाँ, ये हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाई हुई है और तेरी शहरपनाह निरंतर मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। ऐसा वो हमारा परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में परमेश्वर ने एक माँ की उपमा, एक माँ का उदाहरण क्यों दिया है? क्या ये हो सकता है कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है? हम कहेंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, ये यीशु मसीह के आने से पहले का ये वचन यशायाह ने उसकी किताब में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तब से ये वचन आज भी सच है, कायम है। हम देखते हैं कि इस संसार में कितनी माताएं, कितनी माँ अपने बच्चों का त्याग कर देती है। किस प्रकार से? बिजनेस के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि कितने सारे ऐसी माताएं हैं जिन्हें अपने जन्म दिए हुए बच्चे के ऊपर भी तरस नहीं आता, उन पर प्यार नहीं करते। कुछ सप्ताह पहले की बात है, एक बहन अपने एक छोटी बेटी को लेकर के यहाँ प्रार्थना में आई हुई थी। उनकी लगभग तीन चार साल की बेटी होगी। वो बेटी एबनॉर्मल है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मंद बुद्धि की है। और मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पे बच्चों को अंदर नहीं लेते, उनको दूर लंबे बिठाया हुआ था। और उस समय पे जब मैं वहाँ पे पहुँची, तब मैंने देखा कि उस छोटी बच्ची को उसने ज़मीन के ऊपर पटक दिया। मैं ये देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई कि क्या सचमुच ये उसकी माँ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद जब वो बहन आशीष के लिए अपनी बेटी को सामने लेकर आई और इस प्रकार से वो अपना चेहरा बना करके कह रही थी कि ये मेरी बेटी, बिल्कुल भी उसका दिमाग काम नहीं करता, कुछ बोलती नहीं, ठीक से सुनती नहीं, ये सब कुछ उसका बाहरी आवरण था, बाहर का दिखावा था। लेकिन उस समय पे जब मैंने उस बहन को देखा, तभी उसने इस प्रकार से उसे झटके से झटक दिया। उस लड़की को कुछ समझ में भी नहीं आता है, वो छोटी सी बेटी ज़मीन के ऊपर पटक दी गई और उसका सर ज़मीन से लड़ गया। और जैसे उस बहन ने मुझे वहाँ पर देखा, तब वो बिल्कुल भी इस प्रकार से बर्ताव करने लगी कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, परंतु वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज इस संसार में हर एक मनुष्य इतना स्वार्थी बन चुका है, अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य अपने बच्चे के ऊपर भी प्यार करना भूल गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य आपको भूल सकता है, आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, हाँ आपके पिताजी आपको छोड़ सकते हैं। कई लोग बताते हैं ना कि मेरे पिताजी मरने की कगार पे थे, परंतु जायदाद का जब बंटवारा करने का समय आया, तब वे नाकारने लगे, मुकरने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके माँ बाप, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपकी बहन, यहाँ तक कि जिसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा भरोसा होगा, सबसे ज़्यादा विश्वास होगा, वो व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, वो व्यक्ति आपको भूल सकता है,
वो व्यक्ति आपका त्याग कर सकता है, आपको फंसा सकता है, आपके साथ में बेईमानी कर सकता है, परंतु जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं वो परमेश्वर आपको कभी न छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपका चेहरा उसके हथेली के ऊपर खोद करके बनाई हुई है। हम कहते हैं ना, हमारी माँ हम पर बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसने हमें उसके कोख में 9 महीने तक रखा हुआ था। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर, उस परमेश्वर का प्यार हम पर सबसे अधिक है, क्योंकि ये जो हमारी सूरत है, हमारा चेहरा है, जैसे हम दिखते हैं, वो परमेश्वर ने पहले ही, हमें जन्म देने से पहले ही उसकी हाथ की हथेली के ऊपर खोद करके हमारा चित्र बनाया हुआ है। हमारी सहरपना यानी कि हमारा अस्तित्व उसकी आँखों के सामने निरंतर बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। वो परमेश्वर एक पल के लिए भी हमें भूलता नहीं, हमें छोड़ता नहीं, हमारा त्याग नहीं करता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से ऐसे कोई लोग होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि मेरे जीवन में इतनी परेशानी है, इतने दुख हैं, संकट हैं, परमेश्वर मुझे भूल गया है। कहाँ है परमेश्वर? क्या परमेश्वर को मेरी याद है? क्या वो परमेश्वर मुझ पर प्यार करता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, निश्चित रूप से वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको भूला नहीं है, उसने आपका त्याग नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपके शरीर में शुरू रहा ये श्वास इस बात की गवाही देता है कि वो परमेश्वर आपके ऊपर प्यार करता है। क्योंकि जिस घड़ी उस परमेश्वर ने आपसे अपना नाता तोड़ दिया होता, उस परमेश्वर ने यदि आपको छोड़ दिया होता, तो आप जीवित नहीं रहते। क्योंकि ये जो आपके शरीर में, हमारे शरीर में श्वास शुरू है, क्या ये हम खुद से करते हैं? हम इतने दुर्बल और इतने कमजोर मनुष्य हैं कि कितनी बातें हमें याद नहीं रहती हैं, कितनी बातें हम भूल जाते हैं। तो ये जो हमारे शरीर में श्वास शुरू है, यदि ये हम खुद से कर पाते तो क्या इसकी हमें याद रहती? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर की दया है, जिसने हमारे शरीर में, आपके शरीर में ये श्वास शुरू है, शुरू रखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर आपके दिल के एकदम करीब है, एकदम नज़दीक है। वो परमेश्वर चाहता है आपको चंगा करने के लिए, आपकी बीमारियों से, आपकी तकलीफ़ों से आपको मुक्ति देने के लिए, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए वो परमेश्वर तैयार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए वचन कहता है कि वो परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के ज़माने में ये कहा हुआ था कि क्या ये हो सकता है कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है या उसे वो त्याग सकती है? हाँ, ये हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है और एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए अब तक यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास आपके घर के किसी ऐसे सदस्य के ऊपर होगा, ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर होगा, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बात ध्यान में रखना, वो व्यक्ति आपके साथ में बेईमानी कर सकता है, वो व्यक्ति आपके साथ में धोखा दे सकता है। परंतु यदि आपका विश्वास, आपका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर आपने रखा हुआ है, तो एक बात ध्यान में रखना, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी छोड़ नहीं देगा, वो आपका कभी त्याग नहीं करेगा। क्योंकि माँ से बढ़कर प्यार करने वाला वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, हमारा स्वर्गीय बाप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप एक ऐसे परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं जो परमेश्वर आपके ऊपर प्यार करता है।
जो परमेश्वर आपको एक पल के लिए भी भूला नहीं है, जिसने आपका त्याग नहीं किया है, जिसने आपको छोड़ नहीं दिया है, यदि वो आपको भूल जाता तो आज आप उसके सामने यहाँ पर आकर कभी बैठ नहीं पाते। यदि उसका अनुग्रह, उसका प्यार, उसकी दया आपके ऊपर नहीं होती तो आज आप कभी भी उसके इस राज्य में आकर के शामिल नहीं होते। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का प्यार है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने आपको आशीषित करने के लिए आज आपको यहाँ पे बुलाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि अब तक आपने आपका जीवन उन व्यर्थ की बातों में बिताया होगा, रुपयों के लालच में, संपत्ति की लालच में आपने आपका समय बिताया होगा, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे सारे दौड़ भाग से प्रभु आपको बचाना चाहता है। उसका वचन कहता है कि जितना आपके पास है उसी में संतोष कीजिए। जितना आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है उसी में संतुष्ट रहिए, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि आपकी क्या ज़रूरत है और आपको कितना देना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ऐसा आपने कभी सुना नहीं है क्या कि एक भाई के पास इतनी ज़्यादा पैसे आने के बाद वो भाई को शराब की लत लग गई, वो शराब में डूब गया। कहते हैं ना कि ये तो पहले इतना सादा सा व्यक्ति था, इतना साधारण व्यक्ति था, परंतु जब से उसके पास दो नंबर का माल आना इकट्ठा हो गया, यानी कि गलत मार्ग से, टेढ़े मार्ग से उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए, तब से उसने उसके जीवन का नरक कर डाला है। कितने लोगों के विषय में हम सुनते हैं, देखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर को पता है कि आपको कितना देना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको जो दिया हुआ है उसी में संतोष कीजिए, और इस एक बात को मत भूलना कि वो परमेश्वर हमेशा आपके संग है और आपको वो आशीषित करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है आप वहाँ हाथ रखिए, यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसे क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।